भूतेश्वर के प्रकाश नगर मेवाती मोहल्ला में ईद उल फितर पर मस्जिदों में कोरोना के चलते लगे ताले। मस्जिद के अंदर 5 लोगों ने की नमाज अदा। लोगों ने ईद के मौके पर घरों में ही की नमाज अदा। बच्चों बड़ों ने मोहल्ले में खड़े होकर एक दूसरे को गले मिल दी ईद उल फितर की बधाइयां। मनाई ईद, बच्चों में दिखा उत्साह। मथुरा में ईद उल फितर कोरोना संक्रमण की वजह से मुस्लिम भाइयों ने नमाज घर पर ही अदा की। लॉकडाउन के कारण इस वर्ष मस्जिदों पर नमाज अदा नहीं हो सकी। लोग अपने अपने घरों पर ही नमाज अदा कर मुस्लिम भाइयों ने अल्लाह से मुल्क की तरक्की के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्ति दिलाने की भी दुआ की। लॉकडाउन के चलते समाज के लोगों ने ईद की खुशी में खरीदारी नहीं की। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इस मुस्लिम क्षेत्रों में मायूसी देखी गई। लोग घर पर ही सुबह 5:30 बजे के करीब नमाज अदा कर रहे थे और सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने अल्लाह से वतन की तरक्की और कोरोना से मुक्ति की दुआ की। क्या नाम है आपका? अकील कुरैशी। जो ईद है आज, तो किस तरीके से मनाई गई है ये ईद? जो है पहले तो मस्जिदों में मनाई जाती थी, शाही मस्जिद ईदगाह में। अब कोरोना टाइम की वजह से चलते हुए माहौल को देखते हुए अब ईद की नमाज घरों पर ही अदा की है ज़्यादातर सभी मुसलमानों ने। कैसा लग रहा है? सही है, अच्छा है। माहौल को देखते हुए सबको हालातों के साथ चलना चाहिए एक साथ।